हेलो, तो कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है नई वीडियो में। देखिए, मैं बता रहा हूँ त्रिकोणमिति के अगले फॉर्मूले के बारे में। देखिए, एक ही फॉर्मूला से कितना सारा फॉर्मूला बनता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक है हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू वन। तो हमारा ये साइन थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, एक बात मैं बता दूं कि जब भी कोई भी पद गुणों में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो डिवाइड बराबर के दूसरे साइड में जा कर के वो डिवाइड हो जाता है। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये दूसरा वाला पद जो है बराबर का दूसरे साइड में आकर के ये डिवाइड लग जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय कोसेक थीटा। इस यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल दिए। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोसेक थीटा बराबर ये अपने स्थान पर रहेगी, जिसका वैल्यू निकाला जाता है वो अपने स्थान पर रहता है। ये वाला पद जो है आकर के यहाँ डिवाइड लग जाएगा, कहे कि ये गुना में है, तो ये हो जाएगा हमारा वन बाय साइन थीटा। ये पहला फॉर्मूला है, उसी से हमारा दो फॉर्मूला निकला। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू वन। हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, ये दूसरा पद बराबर के दूसरे साइड में जाकर के जो है डिवाइड लग जाएगा, तो ये हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाता है वन बाय सेक थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे अपने स्थान पर रहेगी, ये वाला पद जो है आकर के बराबर के दूसरे साइड में डिवाइड लग जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। अब तीसरा फॉर्मूला के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। तीसरा फॉर्मूला है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू वन। जैसे ही हम इसका वैल्यू निकालेंगे, दूसरा पद जो है बराबर के दूसरे साइड में आकर के डिवाइड लग जाएगा, काहे कि ये गुना में है। गुना को कभी कभी हम डॉट में भी बताते हैं, ए इंटू बी, ए डॉट बी, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, ये गुना कहलाता है, यानी कि गुना का फॉर्म कहलाता है, रूप कहलाता है। ए गुना बी, ये भी हमारा गुना का रूप कहलाता है। ये टेन थीटा जैसे ही हम निकालेंगे, ये कॉट जो है बराबर के दूसरे साइड में आकर के डिवाइड लग जाएगा, तो ये टेन थीटा बराबर हमारा हो जाता है वन बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, ये अपने स्थान पे रहेगी, ये वाला पद जो है बराबर के दूसरे साइड में आकर के डिवाइड लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वन बाय टेन थीटा। मैंने आप लोगों को तीनों फॉर्मूला बता दिया है। अब आगे का फॉर्मूला देखिएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को रिलेशन बता रहा हूँ, जो रिलेशन क्या है साइन और कोसेक में, कॉस और सेक में, टेन और कॉट में। जैसे साइन थीटा बराबर होता है वन बाय कोसेक थीटा, ये बगल में रिलेशन को बता रहा हूँ, तो कोसेक थीटा बराबर भी होता है वन बटे साइन थीटा। ये हमेशा एक दूसरे का विपरीत है। अब है हमारा कॉस थीटा बराबर वन बाई सेक थीटा, ये सेक थीटा बराबर भी होता है वन बाय कॉस थीटा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत है। टेन थीटा बराबर होता है वन बाय कॉट थीटा,
तो cot थीटा बराबर भी होता है 1/tan थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो, फिर अगला फार्मूला जो है उसको बता रहा हूँ। एक बार अच्छे से फार्मूला को देख लीजिए। एक हमारा ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। लेकिन एंगल का एक होना जरूरी है। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तब जाकर के 1 होगा। अगर कॉस 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कर दें, मान के चलिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये फार्मूला कतई नहीं लगेगा, कभी भी 1 नहीं होगा। एंगल को एक होना है, इसलिए यहाँ भी डिग्री 30 रहेगा तब जाकर के वो एक होगा। अब अगला फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी एंगल को एक होना है। अगर ये कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री ही होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री तो सेक स्क्वायर भी 60 डिग्री होना चाहिए। अगर कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री है सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये फार्मूला कभी कतई नहीं लागू होगा और कभी भी 1 नहीं होगा। एंगल एक रहेगा तब ये जा कर के 1 होगा। अब है ये फार्मूला नहीं होता है, इस त्रुटि के लिए माफ़ कीजिएगा। ये फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ, यहाँ भी एंगल एक होना चाहिए। अगर ये 45 डिग्री है तो इसको भी 45 डिग्री होना है। अगर ये 45 है एक 90 डिग्री है तब जाकर के 1 नहीं होगा, ये फार्मूला तब कतई लागू नहीं होगा, इसलिए एंगल को एक होना है। अब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ भी एंगल को एक होना है, ये भी 60 तो ये भी 60। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री तब जाकर के 1। अगर एंगल एक जैसा नहीं होगा ये फार्मूला लागू नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि पहले वाले फार्मूला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो ये बराबर के दूसरी साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, कहे कि प्लस है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये बराबर के दूसरी साइड में जाकर के घट जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो रूट चले जाएगा, स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड में जाकर के रूट होता है तो वो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला को मैंने बता दिया, अब चर्चा करते हैं इस पर दूसरे नंबर का फार्मूला पे। ये है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना क्या हो, ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, बराबर 1 है ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा दूसरे साइड में जाकर के रूट लग जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू निकल गया कॉस थीटा का, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला अब क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कॉट अपने जगह पे रहेगा, ये माइनस जो है
ये कॉट का प्रॉपरली चिन्ह है माइनस, तो ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पहले इसको लिखिए बराबर वन, ये तो प्लस में है बराबर के दूसरे साइड में जाकर के क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कहीं भी देखते होंगे समीकरण में एक्स वाई या कोई भी चीज़ लास्ट लास्ट में जो है माइनस उसके पास नहीं रहता है, वो बराबर के दूसरे साइड दे देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरो का चिन्ह लेते हैं, क्या करेंगे माइनस को बराबर के दूसरे साइड में दे देंगे, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा माइनस वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें माइनस से गुना हो जाएगा सब में, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अपना माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या माइनस से गुना होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसमें गुना होगा ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मान के चलिए माइनस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, अगर कोई भी संख्या दायां बायां हो सकता है बशर्ते कि वो अपना चिन्ह के साथ, फोर माइनस थ्री प्लस फाइव कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने चिन्ह के साथ दायां बायां हो गया, इसलिए जो है यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये अपने चिन्ह के साथ दूसरे साइड चला गया दायां बायां हो गया। यहाँ तक हो गया। अब मैं तीसरा फॉर्मूला पे चर्चा करूँगा, एक साइड छोड़ो साइड छोड़ना साइड छोड़ छोड़ रोशनी होने दो साइड छोड़। अब तीसरा अच्छे से एक बार फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए। अब तीसरा फॉर्मूला पे चर्चा करूँगा तीसरे नंबर का, ये है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में बराबर के दूसरे साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। देखो देखो इसको, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर बराबर के दूसरे साइड में ये चले जाएगा टेन स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो है वैल्यू कैसे निकलेगा, सॉरी मैंने पहले वाला फार्मूला में सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिया, उसको भी हम थोड़ा डीपली चर्चा करते हैं। लिखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा, ये बराबर के दूसरे साइड में जा कर के रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। धन्यवाद। तो अब मैं बता रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा और सेक थीटा कैसे निकलेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये बराबर के दूसरे साइड में जाकर के प्लस होगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस पे से रूट हटेगा तो ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। धन्यवाद। अब टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो बता रहा हूँ, ये अपना प्रॉपरली चिन्ह के साथ अपने स्थान पर रहेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ एरो का चिन्ह जरूर लगाना है, लास्ट स्टेप में एरो का चिन्ह नहीं लगता, ठीक, यहाँ एरो नहीं लगेगा। तो अगला चल रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने स्थान पर रहेगी माइनस के साथ, ये बराबर के दूसरे साइड में जा कर के प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये कभी माइनस अपने पास रखता नहीं है या रहता नहीं है, कोई भी समीकरण में देखे होंगे ये माइनस क्या करेगा, बराबर के दूसरे साइड में दे देगा, तो हम एरो का चिन्ह देंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
यहाँ माइनस चले जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा, वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? अब माइनस से जो गुना होगा वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, तो माइनस वन माइनस माइनस ये प्लस, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा फिर से एक बार बता रहा हूँ, माइनस सिक्स प्लस एट फिर माइनस सिक्स, वो अपने चिन्ह के साथ इधर उधर दायां बायां हो सकता है, माइनस सिक्स माइनस एट प्लस, माइनस सिक्स प्लस एट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये अपने चिन्ह के साथ यहाँ चले आएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये टेन का फॉर्मूला हम निकालेंगे, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। धन्यवाद, हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ में आया हो हमारे इस वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।